नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटा बच्चा अचानक कहे कि वो पिछले जन्म में प्रिंसेस डायना था? ये किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये असल में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर टीवी होस्ट डेविड कैंपबेल के बेटे बिली कैंपबेल ने ऐसा ही दावा किया है। सबसे पहले तो बिली सिर्फ 2 साल का था जब उसने अपने परिवार को चौंकाने वाली बातें बतानी शुरू की। उसने कहा कि वो पहले प्रिंसेस डायना था। अब इतना छोटा बच्चा प्रिंसेस डायना के बारे में कैसे जान सकता है? बिली ने बताया कि उसे बालमोरल कैसल के बारे में पता है, जो कि ब्रिटिश शाही परिवार का एक शानदार महल है। और तो और, उसने एक भाई जॉन के बारे में भी बताया। असल में प्रिंसेस डायना का एक भाई था जो बचपन में ही गुजर गया था, और उसका नाम भी जॉन था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिली ने पेरिस में हुए उस दर्दनाक कार हादसे का भी जिक्र किया जिसमें प्रिंसेस डायना की जान गई थी। उसने उस घटना को इतनी बारीकी से बताया कि सुनकर लगा जैसे वो खुद उस घटना का हिस्सा था। उसने कहा कि एक दिन सायरन बज रहे थे और फिर मैं प्रिंसेस नहीं रही। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में बिना किसी के उसे बताए उसने ये सब कैसे जाना? अब कुछ लोग कहेंगे कि बिली ने ये बातें टीवी, किताबों या अपने आसपास की बातचीत से सुनी होंगी, लेकिन उसके माता पिता डेविड और लीसा कहते हैं कि उन्होंने कभी भी घर में डायना की जिंदगी के बारे में इतनी विस्तार से बात नहीं की थी। तो फिर बिली को ये सब कैसे पता चला? असल में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि छोटे बच्चे, खासकर 2 से 6 साल की उम्र के बीच, कभी कभी अपने पिछले जन्म की बातें याद कर सकते हैं। अमेरिका के एक प्रोफेसर डॉक्टर जिम टकर ने ऐसे ही बच्चों के कई मामलों का अध्ययन किया है। बिली कैंपबेल की कहानी ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और ये अकेला मामला नहीं है। इसी तरह का एक और मशहूर मामला है जेम्स लीनिंगर का। अमेरिका के जेम्स ने दावा किया था कि वो पिछले जन्म में द्वितीय विश्व युद्ध का एक फाइटर पायलट था। जेम्स ने पायलट के जीवन और मृत्यु के बारे में ऐसी खास खास बातें बताई जिन्हें बाद में ऐतिहासिक रिकॉर्ड से सत्यापित किया गया। इन कहानियों ने शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है और हमारी चेतना और स्मृति के बारे में समझ को चुनौती दी है। क्या वाकई पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है, या फिर यह महज एक संयोग है? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी और हमारे दिमाग में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिली का दावा सच्चा है, या फिर यह सिर्फ एक छोटी उम्र के बच्चे की कल्पना है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।